अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जरीर क्या मांगे रखी गई है? देखिए, मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर 28 तारीख से पूरे प्रदेश के पटवारी लोग हड़ताल पे हैं। देवास जिला पटवारी संघ भी मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर देवास जिले का प्रत्येक पटवारी, पूरे 400 पटवारी अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर चले गए। पिछले 25 वर्षों से हमारी वेतनमान की लड़ाई सरकार को चल रही है। माननीय मुख्यमंत्रियों के द्वारा हर बार हमको आश्वासन दिया जाता है। 2007 में खुले मंच से हमारे प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी 2800 गेट पे जो हमारी वेतनमान की हमारा हक है, हमारी अधिकार है, उस संबंध में खुले मंच से आश्वासन दिया था कि पटवारियों को हम 2800 गेट पे देंगे। उस संबंध में प्रदेश के पटवारी उनके आश्वासन से त्रस्त होकर इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के मोड़ में, इस बार हर हाल में मध्य प्रदेश का प्रत्येक पटवारी अपनी मांग के लिए मैदान में उतर चुका है और हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक हमारी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं कि मामा जी, हमारी इस बार 2800 गेट पे की वेतनमान की जो मांग है वो आपको पूरी करनी ही होगी। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप प्रदेश के सबसे मजबूत और ग्राउंड लेवल में काम करने वाले कर्मचारियों की उपेक्षा कर रहे हैं, लगातार उपेक्षा कर रहे हैं। हम आश्वासन देने के लिए आपसे विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि हमारी वेतन मांग की मांग आप यथाशीघ्र पूरी करें, अन्यथा एक महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं, आप हमको कमजोर न समझें। मध्य प्रदेश का पटवारी एक ऐसा कर्मचारी है जो गाँव गाँव जमीन से जुड़ा हुआ, गाँव गरीब मजदूर और किसान के हितेश में काम करता है। आप हमारी जो न्यायोचित मांग है उसके संबंध में यथाशीघ्र निर्णय करें और हमें उम्मीद और विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जैसे अन्य कर्मचारियों की मां पंचायत बुलाकर उनकी मांग पूरी कर रहे हैं। पटवारी संघ की भी न्यायोचित 2800 गेट की मांग पूरी करने के लिए यथाशीघ्र मां पंचायत बुलाएंगे। ये पूरे प्रदेश में हड़ताल जारी है? पूरे प्रदेश के 19,000 पटवारी कलमबंद हड़ताल पर। आपका परिचय? अरविंद चौबे, जिलाध्यक्ष पटवारी संघ।